इन खिलाड़ियों ने देश के लिए त्याग और बलिदान किया है, देश का नाम ऊंचा किया है और देश के लिए गोल्ड मेडल ये खिलाड़ी लेके आए हैं। बृजभूषण सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर की बहन और बेटी के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप चाहेंगे कि वो बारह की बताई जनता के बीच में बता पाती है? वो आज यहाँ पे बैठी नहीं होती और खून के आंसू नहीं रो रही होती। इससे बड़ा मैं भारत के लिए काला दिन कोई भी नहीं मान सकती। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जब न्याय की बात की जाती है तब प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तब कोई मन की बात नहीं की जाती। अगर खिलाड़ी अपनी मनमानी करते तो खिलाड़ी अपने देश का नाम भी रोशन नहीं करते। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आज दो चार दिन से जो है पहलवान यहाँ पे धरने पे हैं, उनके साथ शोषण होता है। इसी तरह की एक बार और उन्होंने धरने दिए थे और जंतर मंतर पे दो तीन दिनों तक आए थे, फिर वो विलुप्त हो गए। लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि उन लोगों की ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है पहलवानों की। तरह तरह के लोग सवाल उठाते हैं कि इन लोगों के साथ अगर सच में शोषण हो रहा है तो ये लोग फिर बीच में कहाँ गायब हो गए थे। मेरे साथ हैं NSUI की अध्यक्ष रितु जी, हम इनसे बात करेंगे कि क्या लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों के साथ अगर सच में ऐसा होता तो ये बीच में गायब कहाँ हो गए थे। देखिए, ऐसा था कि पहले जो प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने जब जंतर मंतर पर, तो इन्हें 3 हफ्ते का आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे हैं जो वो मान ली जाएंगी। तब ये लोग उस बात के आधार पर ये लोग खड़े हो गए थे, लेकिन 3 हफ्ते के बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब तक उनको न्याय नहीं मिला तब उन लोगों ने मजबूरी में फिर से प्रोटेस्ट किया है और इस बार पूरी पंचायतों के प्रधान, सरपंच, युवा, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, बहनें और माताएं हमारे साथ में हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, हर स्टेट का खिलाड़ी हमारे साथ में है। और जो रेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह जी, मैं उनको ये कहूँगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं के साथ जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं और मान सम्मान ऊंचा करती हैं, उनके साथ आप सात खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का काम करते हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। आज हम भारत के संविधान में हमारे को आज़ादी के अधिकार मिले हैं और आप वहाँ पर महिलाओं का शोषण करते हैं, उसका मैं ऐसे मानती हूँ कि ये हमारे देश में हमारी ही जिंदगी का एक दुर्भाग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज यौन शोषण से आप बेटी आगे खिलाओ और आगे बढ़ाओ, ये आप आज काम कर रहे हैं सरकार में रहकर। उसकी हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और उनका विरोध करते हैं। यही लड़ाई हम आगे लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि लोगों के साथ अगर वाकई में शोषण होता तो ये लोग इतने दिनों तक चुप क्यों थे, अचानक से ये लोग सामने आ रहे हैं। देखिए मैम, चुप नहीं थे, मैं आपको बता रही हूँ कि 3 हफ्ते का इनको आश्वासन दिया गया था। उससे पहले भी इन लोगों ने सबूत इकट्ठे किए हैं, सारी स्पोर्ट्स वाली कमेटी से इन लोगों ने डिसीजन लिए हैं, सुझाव आपस में विचार विमर्श किए हैं, सारे इकट्ठे होकर एकता के साथ इन लोगों ने प्रदर्शन भी उस टाइम किया था। और मैं ऐसे मानती हूँ कि ये जब घटनाएं घटी थी तब कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको दबा लिया जाता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कि सच्चाई आप फेस करो, उनको उस चीज़ के लिए जागरूक किया जाता है, समझाया जाता है, तब जाके वो लड़के आगे फेस कर पाती हैं और आगे आके अपनी सच्चाई बताती हैं। तो क्या लग रहा है, सब लोग डर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो ये बृजभूषण सरनी है, इनसे डर रही है सब? आपको लगता नहीं? आप भी एक महिला हैं, जब आपके घर की बहन और बेटी, बृजभूषण सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर की बहन और बेटी के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप चाहेंगे कि वो बारह की बताई जनता के बीच में बता पाती है? आपको लगता है नहीं बता पाएगी? आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ, मेरी सुरक्षा करना मेरे हाथ में है और मेरी सुरक्षा मेरे संविधान में मुझे मिली है। तो क्यों इतने छोटे से, एक तो सबसे पहले वो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो एक क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, जबकि कहते हैं कि बेटियों के साथ अगर कुछ होगा तो हम सबसे पहले आएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो बोलते हैं मन की बात करेंगे, लेकिन कभी भी न्याय की बात नहीं करते हैं। अगर न्याय की बात होती तो आज ये भारत की बेटियां यहाँ पर, जो भारत का गौरव अलग दूसरे राष्ट्रों में ऊंचा करके आई हैं, भारत का नाम बढ़ा के आई हैं, वो आज यहाँ पे बैठी नहीं होती और खून के आंसू नहीं रो रही होती। इससे बड़ा मैं भारत के लिए काला दिन कोई भी नहीं मान सकती। ये आज हमारे दुर्भाग्य की बात है। आप बोल रही हैं काला दिन और लोग कह रहे हैं डिजिटल बन रहा है इंडिया, भारत 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर कैसे डिजिटल बन रहा है इंडिया, आपके सामने ही है, आप सुबह से शाम तक यहाँ हैं। रामराज तो आ गया। रामराज, मैं ऐसे मानती हूँ कि भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं और खिलाड़ी की कोई जात पात नहीं होती, खिलाड़ी भारत का है और वो भारत का मान सम्मान के लिए लड़ता है, उसका एक एक
खून का कतरा भी भारत के नाम को ऊंचा करने के लिए लड़ाई लड़ता है। मेरा सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई खिलाड़ी विदेशों में जाके कुछ नाम रोशन करता है तो सबसे पहले वो पिक्चर लेते हैं और अपने ट्वीट करते हैं, पोस्टर के जरिए विज्ञापन लगाते हैं सारे जगहों पे, तमाम जगहों पे बधाइयां देते हैं, तो आज जब इतने दिनों से यहाँ पे तो क्यों नहीं वो आ रहे हैं? जब वो बधाइयां देते हैं, आप एक बात बताइए, जब आप देश का गौरव बढ़ा के आते हैं, आप मेडल लेके आते हैं, तब वो आपको बधाई देने के लिए तुरंत आ जाते हैं? आपकी पोस्ट है सोशल मीडिया पर, इस तरीके से प्रकट की जाती है कि हमने ही इनको जैसे गोल्ड मेडल दिलाया हो। लेकिन जब न्याय की बात की जाती है तब प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तब कोई मन की बात नहीं की जाती। तो आपको नहीं लगता ये गलत है? नहीं, गलत तो गलत सही का तो हम फैसला नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बोलते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेता जो है प्रधानमंत्री मोदी, और टीवी चैनलों में आपको दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय नेता है वो मोदी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, लोकप्रियता मत हमारा अधिकार है, और हम किसको लोकप्रिय मानते हैं किसको नहीं देते वो हमारा अधिकार है। ये नहीं कि लोग, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, जो सिंहासन पे बैठाते हैं वो सिंहासन से उतारते भी हैं। बोला सरकार आती है और सरकार जाती है, लेकिन गृह मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जाने वाली नहीं है, आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। जी मैम, पहले भी बहुत सरकारें आई हैं और बहुत सरकारें गई हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए आप, और आगे भी परिवर्तन प्रकृति का नियम रहा है, और हम डेफिनेटली युवा विश्वास करते हैं कि परिवर्तन आगे भी होगा, इतिहास बदले जाएंगे, फिर से भूगोल लिखे जाएंगे। जब भी मोदी जी लाल किले पे आते हैं तो बोलते हैं किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो सारी चीज़ें आज जब महिलाएं यहाँ पे तो क्यों नहीं बात करें? और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि पहले से 2014 से जो महिला की स्थिति थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। आज आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब जंतर मंतर पर आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं यहाँ लड़ाई लड़ रही हैं, आप किस तरीके से महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जब उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा, तो आप किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो कैसे बाज आप जगह जगह पे देखेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है पोस्टर लगा हुआ रहता है और वो अभियान चला रहे हैं, और आप मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रही हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ, अगर ऐसा ही होता तो आज ये बेटियां यहाँ नहीं बैठी होती। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो प्लेयर हैं, रेसलर हैं, जब उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, तो जो गरीब होंगी, जो लाचार होंगी, जो जिनके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, काम नहीं होगा, रोजगार है, उनके साथ क्या होता होगा? हालांकि हम इनसे और बात करेंगे कि क्या लगता है कब तक इनको बैठना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब एक बयान दिया था ब्रिजभूषण सिंह ने कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम सबको बता देंगे। देखिए मैम, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, और जब तक इस लड़ाई में हम सब खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई कंटिन्यू लड़ेंगे और न्याय लेकर जाएंगे। कहते हैं कि फेडरेशन में खिलाड़ी अपने मनमानी का करते थे, इसीलिए ये इनके खिलाफ है, वो उनके साथ में नहीं रहते थे इसीलिए वो उनके खिलाफ हो गए हैं खिलाड़ी। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर खिलाड़ी अपनी मनमानी करते तो खिलाड़ी अपने देश का नाम भी रोशन नहीं करते, और इन खिलाड़ियों ने देश के लिए त्याग और बलिदान किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, और देश के लिए गोल्ड मेडल ये खिलाड़ी लेके आए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। कब तक इनको धरना करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि कब तक आप? जब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं जाते तब तक हम कंटिन्यू इस धरने को रखेंगे। देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि यूपी मॉडल, यूपी में रामराज है और पूरे भारत में यूपी मॉडल फॉलो होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? किस रामराज की आप बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा कल परसों ही एक घटना घटी थी गैंगस्टर वाली, उसमें आप एक एनकाउंटर आप कर रहे हैं और दूसरा एनकाउंटर आप ही पैदा कर रहे हैं, तो आप किस देश को किस ओर ले जाने की दिशा में आप इशारा कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि पहले 2000 जो है सात से पहले या 2014 से पहले वहाँ पे बहुत सारे दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते, लेकिन अब ना दंगा हो रहा है ना ही अपराधी है यहाँ। 2014 से पहले देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए ना, देख लीजिए क्या हो रहा है देश में, अब क्या हो रहा है। वही मोदी जी हैं जो बोलते थे हर युवा के अकाउंट में 15-15 लाख आएगा, 15-15 पैसा भी नहीं आया, समझ रहे हैं आप? रोजगार तो मिल रहा है, बोले पकौड़े तलो, तो वो पकौड़े तले वही तो रोजगार है 15-15 लाख का, वो भी हम हमारे ही घर से इन्वेस्ट करके हम पकौड़े तले। उनको नहीं लगता कि मतलब जो चाय बेचने वाला वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पकौड़े तलने वाले कितने बड़े बन सकते हैं?
तो देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हमारे रेसलर जो हमारा नाम रोशन करते हैं विश्व पटल पे, लेकिन आज ये दिन देखने को पड़ा है कि ये लोग लगातार धरने पे ये लोग जो हैं मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन ना ही FIR दर्ज कराई जा रही है और ना इनके साथ न्याय हो रहा है। और ये लोग लगातार अभी बैठेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे। आप लोग, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इस महिलाओं के साथ इतने बड़े स्तर पे जो महिलाएं नाम कर रही हैं, इनके साथ जब ऐसा हो सकता है, तो जो छोटे तबके की महिलाएं जो कुछ नहीं करती होगी, जो घर पे रहती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनके साथ क्या होता होगा? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही राम राज है? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।